हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर। और मैं हूं नीमा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मेरा डे फंक्शन के लिए लुक। एक्चुअली मैं एक फंक्शन में जाने वाली थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम जब भी आप रेडी हो ना तो एक बेसिक मेकअप हमें भी सिखा देना। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक डे फंक्शन के लिए कैसे आप रेडी हो सकते हैं बहुत जल्दी। मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मॉइस्चराइज कर लिया है। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर। देखिए जब भी आप मेकअप करें ना प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि ये आपकी स्किन को एक इवन टोन दे देता है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर क्योंकि ये आपकी स्किन की जो भी फाइन लाइन्स वगैरह होती है ना उन्हें अच्छे से कवर कर लेता है और आपको एक बहुत ही सिंपल सा बेस मिल जाता है अच्छा सा। मैं साइड में हंस रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे तैयार हो रहे थे वहाँ पे और वो मुझे बार बार देख रहे थे कि मैं वीडियो बना रही हूँ आज तैयार होते हुए। सिंपली आपने इसे लगा लेना है अपने फेस पे। इसके बाद मैं लगा रही हूँ लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन। इसमें मेरा कलर है नेचुरल मार्बल फॉर फेयर टू व्हीटिश स्किन। ये आपको लो टू मीडियम कवरेज दे देता है, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देता है। बट मुझे बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए होती है। सिंपल फेस पे आप डॉट्स बना लीजिए। आईज़ के नीचे थोड़ा सा मैं ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि मैं कंसीलर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। डॉट्स बना लूँगी मैं अपने फेस पे छोटे छोटे और फिर इसे ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आपने। अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो एक अच्छा कंसीलर आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैंने इसी को थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया है और इसे ही मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करते वक्त अपनी गर्दन को और अपने कानों को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो फेस अलग लगेगा और गर्दन और कान अलग से लगेंगे। तो अपनी नेक पे ज़रूर लगाइएगा। अब मैं आई मेकअप शुरू कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए मैं मेरी वेट एंड वाइल्ड की पैलेट को यूज़ कर रही हूँ। इसका रिव्यू मैं पहले ही कर चुकी हूँ। कुछ मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड के जिनका मैं रिव्यू पहले ही कर चुकी हूँ। अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। इसमें मैं एक सिंपल सा गोल्डन कलर है उसे अपनी आईज़ पर पहले लगा लूँगी, फिक्स कर लूँगी और फिर उसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क आई शेडोज़ पसंद नहीं है, स्पेशली दिन में और इतनी सड़ी गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक सिंपल सा मैं गोल्डन कलर का आई शेडो लगा रही हूँ और इसे एक अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं लगा रही हूँ काजल। ये है स्टे कुड़की का आई लव यू 2 काजल। ये काजल जो है ना ये मुझे बहुत पसंद है। ये वाटर रेजिस्टेंस है, स्मैच प्रूफ है और डर्मेटोलॉजिस्टिकली टेस्टेड है। तो ये काजल मैं लगाती हूँ आजकल, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने पर्पल हॉल में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो ये है स्टे कुड़की का काजल और बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप चाहते हैं चेकआउट करना तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ मेरा छोटू सा लाइनर। ये है ब्लू हेवन का लाइनर। ये मैंने एक बार अपनी वीडियो के लिए मंगवाया था। मुझे सही लगता है ये, अगर आपको 3-4 घंटे के लिए लाइनर लगाना है तो उसके लिए आप लगा सकते हैं। मैं बहुत मोटा मोटा लाइनर नहीं लगाती हूँ, मैं पतला पतला लाइनर लगाती हूँ तो मैं इसे लगा लूँगी। तो अब जैसे एक में लगाया है वैसे मैं फटाफट से दूसरे में लगा लेती हूँ। आई लैशेज के लिए मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मेरा ये है वेट एंड वाइल्ड का डबल एक्सएल लैश। अगर आपकी नॉर्मल आई लैशेज है ना तो आप इसे यूज़ एक बार ज़रूर कीजिएगा। मैं कभी भी फॉल्स आई लैशेज यूज़ नहीं करती हूँ बट इसे लगाती हूँ ना तो ये मेरी नॉर्मल लैशेज को बहुत ही अच्छे से इन्हेंस करता है। तो आप भी इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मैंने रिव्यू अभी कुछ दिन पहले ही किया था। ग्लैम 21 का HD कॉम्पैक्ट है ये। ये है 2-in-1 कॉम्पैक्ट। बेसिकली इसमें आपको एक सिंपल मिलता है, दूसरा जो है वो थोड़ा सा शिमरी मिलता है। तो मैं सेकंड वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे मेरे चेहरे पे थोड़ी सी चमक चमक चाहिए। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो, क्योंकि अलग अलग कॉम्पैक्ट रखना सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो एक में ही काम चल रहा है तो अच्छा ही है। तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ आज। ये है ग्लैम 21 का HD कॉम्पैक्ट। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ मेरी वेट एंड वाइल्ड की कवर ऑल की कंसीलर पैलेट से हाइलाइटर। इसका हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है। आप ये कवर ऑल कंसीलर पैलेट को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सारे स्पॉट्स को कवर कर लेगी और इसमें जो हाइलाइटर है ना ये मुझे बहुत पसंद है। देखिए मैं चीक्स पे लगाऊंगी ना तो ये अलग ही शाइन दे देता है आपके चीक्स को। तो मैं इसे अपने चीक्स पे और अपनी नोज़ पे लगाने वाली हूँ और ये एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आपको देता है। लिप्स में मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का शेड नंबर है ये न्यूडिश पीच। एक्चुअली मुझे मैरून कलर की लिपस्टिक लगानी थी तो मैंने पहले आउटलाइन की है इससे वेट एंड वाइल्ड से,
और इसके बाद मैं अपना एक जो डार्क मेहरून मेरे पास एलेटीन का शेड है 44 उसे अप्लाई कर लूँगी। एक्चुअली ये मुझे न्यूडिश पीच जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है। इसे लगाने के बाद मेरे लिप्स की एक तो आउटलाइन बहुत अच्छी से आ जाती है और फिर जब मैं लिप कलर लगाती हूँ ना वो फिक्स हो जाता है लिप्स पे, क्योंकि जो एलेटीन का मेरा शेड है ना वो ग्लॉसी है वो। तो अब मैंने बिंदी और सिंदूर लगा लिया है, अब मैं फटाफट से अपनी साड़ी पहन लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है ना तो आप इसे लाइक और शेयर करे बिना कहीं नहीं जाएंगे। और हाँ, जो मैंने मेकअप किया है ना इसे मैंने बाद में मेकअप फिक्सर की मदद से फिक्स कर लिया था ताकि ये 4-6 घंटे आराम से टिका रहे। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देंगे आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।